पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सर सर सही है। शीशे पार कर दिया। लाइन सब खुला हुई है यार। कटेगा नहीं यार, पूरे साथ साथ हो यार। ये सच्चा करते इधर भी आ जाओ। यहाँ से जो बाईपास है उसकी तरफ रास्ता जाता है, दूसरा जो रास्ता है वो सिटी की तरफ जाता है, और यहीं से फिर काशीपुर और रामनगर के लिए भी रोड जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चौराया है, और जब से जो हाईवे बना है तो हमारा जो मुंडा पांडे जो थाना है वो रोड से थोड़ा साइड में हो गया, प्लेयर के नीचे आ गया। तो यहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस हमेशा दिक्कत होती थी, और यहाँ पर एक्सीडेंट की भी घटनाएँ होती रहती थी, और कई बार अपराधी घटनाएँ भी होती थी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ एक चौकी का निर्माण किया गया है, जो कि मुंडा पांडा थाने के अंतर्गत आएगी, और इसको जो जीरो पॉइंट मुंडा पांडा के नाम से स्वतंत्र किया गया है। यहाँ पर चौकी प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है, और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे कि यहाँ पर कोई भी आपराधिक वारदात होती है तो उसकी जानकारी दी जा सके, उस पर कार्रवाई की जा सके। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम हमेशा लगता था, क्योंकि सैटरडे और संडे को यहाँ पर जो अक्सर जो लोग रामनगर की तरफ जाते हैं तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे गाड़ियाँ आती थी, अचानक क्योंकि ये किराया है, यहाँ जाम की घटनाएँ होती रहती थी, और जाम या लंबा जाम लगता था 2-3 घंटे का। तो इसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे चौकी बनाई गई है, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में यहाँ पे लोगों को जाम से निजात मिलेगी। दूसरा, यहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस रहने से लोगों को किसी प्रकार की समस्या होती है तो थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिससे कि कोई भी वारदात होती है तो उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। इसलिए आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था इसका उद्घाटन था, और इस चौकी का अभी हम लोगों ने जब कांवड़ यात्रा थी तो उस समय भी इसका यहाँ पे पुलिस ने रह के उसका उपयोग भी किया, और काफ़ी ये महत्वपूर्ण जगह है, और ये आने वाले टाइम में यहाँ आसपास के जो लोग हैं उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।